सुरक्षा रखते हैं, जहाँ जाकर राम की हिफाजत करते हैं, और इसी हिफाजत की वजह से सादात ने दुनिया में अपना एक मकाम पैदा किया। और अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है। मिल्लत इस्लामिया गवाह है कि जितने औलिया-ए-किराम पैदा हुए, मालूम नहीं उनके नसब नामे तो मेरी नजर से नहीं मिले, मगर सबों ने अपने लिए पसंद यही किया कि दुनिया उनको सैयद पुकारे, दुनिया उनको हसनी भी कहे, दुनिया उनको हुसैनी भी कहे। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे एक विलायत का ताल्लुक उसी घराने से है कि जिस घराने में अजमत पैगंबर का एहसास, और जहां रोका जा सकता है, जहां बातिल को दबाया जा सकता है, खा वो किसी हालत में रहे, तो ऐसी सूरत में बनी उमैया को ये इजाजत कैसे दे दी जाती कि जो चाहो कर लो, इख्तदार और है खाने काबा की दीवारों को गिरा दो, इख्तदार और है कि खाने काबा के पर्दों में आग लगा दो, इख्तदार और है कब्र से इब्राहिम के निशान मिटा दो, इख्तदार और है आसारे अंबिया को जला दो, ये और बातें। लेकिन एक ऐसी आवाज को रहती दुनिया तक बाकी छोड़ जाना कि जो आवाज हर दौर में पुकारती रहे कि गलती हुई तुम संभलते रहो, गलती हुई तुम होशियार रहो, गलती हुई कहीं तुम उस गलती को न दोहराओ। ये वही आवाज थी जिसने इस्लाम को संभाल दिया, और यही आवाज थी कि जिसने ये बतलाया कि देखो हम इस आसानी के साथ इस अमर को जाने नहीं देंगे, दौलत और सल्तनत तुम्हारी तुम ले लो, मगर किताब किताब के वारिस हम, तुम औरसनल किताब अल्लज़ीना तफ़न्ना मिन इबादना, हमने वारिस किया किताब का उन बंदों को जिनको कि हमने मुस्तफा किया था अपने बंदों में से, हम इस तरह से किताब को रायगा पर जाने नहीं देंगे। अब रहा जबर जोर सब कहने के लिए तैयार, मगर रह जाए आवाज फिजा में, फिजा में रह जाए आवाज। तो अगर तीर के चलने की सनसनाहट फिजाने है तो एक मासूम हिचकी की आवाज भी आप समझते हैं, और अगर दरिया की मौजों की जवानी अपनी कोई आवाज रखती है तो खेमों से अल अतश की आवाजें अब भी आ रही, उस एहतजाज को बाकी रखा है करबला ने, उस एहतजाज को बाकी रखा है कि देखो ये हमारा प्रोटेस्ट है जो तारीख के सफहात पर कयामत तक बाकी रहेगा। अजमत रसूल, हिफाजत पैगाम, विरासत किताब का हक अदा करना, ये इसी घराने का हिस्सा था। गुफ्तगू मुख्तलिफ मत मराकिब से होकर आगे बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं, मैं क्या करूं, हक अदा नहीं हो सकता है जिस तरह से जो गुफ्तगू हो, कोशिश फिर भी जारी है। इंशाअल्लाह इसी आयत के ज़ैल में चंद और अहम उमूर बाकी रह गए हैं, गुफ्तगू होगी आज, सिर्फ इतना उसका कि वो आवाजें जो रह गई बाकी, उसमें एक आवाज ये भी तो थी कि बाबा अगर हम हक पर हैं तो मौत से क्या डर है, ये भी तो एक आवाज है ना बाबा। लेकिन आज एक और आवाज की तरफ आपको मुतवज्जह करता हूं, और बहुत कम कभी तस्करा होता है, एक आध मरतबा मुहर्रम में, और उसके बाद एक फिर सन्नाटा, एक खामोशी। तो मैंने ये सोचा कि आज दो चार जुमलों में, फकत इसलिए कि ये माह मुबारक रमजान की एक आध रात मंसूब है,
उस इनाम से थी कि जिसको दुनिया हसन मुश्तबा के नाम से याद करती है। याद है ना कि जी ने आया कि एक आवाज है हसन के लाल की भी, वो आप सुनेंगे। मैंने कासिम ने हसन कुछ कहा, अजीब मंजिल है हजरत कासिम ने हसन जी, अजीब मकाम है। मुहर्रम में मौका इतना मिलता ही नहीं कि उनके मुसलसल फजाई बयान हो। बहरहाल आप तो हर जगह सुनते ही होंगे, कासिम ने हसन उन शोहदा में से हैं कि जिनको बड़ी देर के बाद इजाजत मिली है। बनी हाशिम में सबसे पहले शहीद हैं अली अकबर और सबसे आखिरी शहीद हैं अब्बास, और हजरत कासिम की शहादत है अब्बास से पहले। यानी हजरत कासिम से पहले अली अकबर भी हैं, औन मोहम्मद भी हैं, औलाद जाफर भी हैं, औलाद अकील भी हैं, हजरत अब्बास के और छोटे तीन भाई भी हैं, हजरत अब्बास के साहबजादे भी हैं। यानी जितने बनी हाशिम हैं वो सब कासिम से पहले हैं, और कासिम के बाद अगर कोई रह गया तो फकत हमारे बनी हाशिम है। और इस तरह से हजरत कासिम को बड़ी देर से इजाजत मिली है, और इस देर से इजाजत मिलने की वजह उलमा ने सिर्फ ये बतलाई कि इतना अजीज रखते थे हुसैन इब्ने अली कासिम इब्ने हसन को कि जब कभी ये भतीजा इजाजत मैदान की लेता तो इमाम की आंखों में फौरन आंसू आ जाते, और कासिम नहीं चाहते थे कि चचा रोए, इसलिए खामोश सर झुकाते वापस चले जाते। जब इंतहा हो गई और सिवा अब्बास के कोई बाकी न रहा तो उस वक्त इजाजत दी है वो भी उम्मे फरवा की ख्वाहिश पर। कासिम को इजाजत मिली, मैं और कुछ नहीं अब करूंगा। कासिम मैदान में गए, खूब लड़े, दिखला दिया इनके वो भी फतेह खैबर के पोते हैं, और उसके बाद जख्मी हुए, बहुत जख्मी हुए, बहुत जख्मी हुए। अब ये दो चार जुमले हैं, बहुत जख्मी हुए, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि बहुत खास रबता जो कासिम में और हुसैन इब्ने अली में था वो कुछ अजीब गरीब था। यानी एक तो है बाप बेटे की मोहब्बत, एक है चचा और भतीजे की मोहब्बत। मैं आज तक अंदाजा नहीं कर सका कि दोनों में किस तरह से मुवाजना कायम किया जाए और किस तरह से मुवाजने की गुफ्तगु की जाए। मेरे जहनों गुमानों ख्याल में भी ये बात नहीं है। इस वास्ते कि अली अकबर जब घोड़े से गिरे हैं तो अली अकबर की ये आवाज आई है कि बाबा मेरा सलाम लो, और जब कासिम जख्मी हुए हैं तो उलमाए मकातिल ने लिखा हर जख्म पर आवाज दे रहे थे चचा आओ, चचा जान आओ, चचा जान जल्दी आओ। उलमाए मकासिल का जुमला है कि कितनी मोहब्बत होगी भतीजे को चचा से, और कितना ताल्लुक होगा चचा को भतीजे से, कि इस आवाज का पहुंचना था कि जब अली अकबर की आवाज आई है तो हुसैन पियादा पा गए हैं, जब अली अकबर की आवाज आई है हुसैन घोड़े पर नहीं बैठे बल्कि पियादा पा चले। जब कासिम की आवाज आई हुसैन जो जाग चुकी घोड़े पर सवार हुए, और जब अली अकबर की आवाज आई तो अकेले गए। जब कासिम की आवाज आई तो पुकार के कहा अब्बास तुम उधर से हमला करो, मैं इधर से हमला करता हूं, मेरे बच्चे को जख्मी कर रहे हैं।
जान निसार हो आका की इस मोहब्बत पर और इस एहतमाम पर। अब्बास को लेके हुसैन इब्ने अली ने हमला किया, अब्बास ने भी हमला किया, हुसैन ने हमला किया, और इस आलम ने जब फौजें हटी और चचा ने भतीजे को देखा, अब्बास अदब से रुके, हुसैन घोड़े से कूद पड़े, तो मालूम नहीं कितनी मोहब्बत थी कि एक मर्तबा जमीन पर गिरते ही कासिम के सर को रखा जानी पर और बे इख्तियार कहने लगे, वलदी कैसा बजा पल मऊत, बेटा तुमने मौत को कैसे पाया। कलाम इमाम, कैसा बजा पल मऊत, कासिम तुमने मौत को कैसे पाया। हुसैन इब्ने अली, बड़ी जसारत होगी आपकी बारगाह में, ये क्या सवाल है, भतीजे से ये पूछ रहे थे। कैसा बजा पल मऊत, भतीजे ने कहा चचा जान अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरी बात, मौत को शहद से ज्यादा शीरी पाए। और ये कह के कासिम ने आंखें बंद की, बस ये गुफ्तगू हो चुकी, हुसैन इब्ने अली ने इशारा किया, अब्बास चलो आगे, ऐसा न हो कि बीवियां खेमे से निकल जाए। और ये कह के अपनी अबा बिठाई, कासिम की लाश के टुकड़े टुकड़े अबा में रखे, कांधे पर अबा को डाला, कासिम गुजर चुके थे दुनिया से और इस शान के भतीजे की मैयत खेमे हो गई। खुदावंदा हमको कामिल ईमान का परवरदिगार, मिल्लत को मुस्तहिद फरमा, ममलकत को मुस्तहकम कर, ताजील फरमा लूंगा। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالخاتم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم انظر كيف ضربوا لك الأمثال صلوات یہی گفتگو کل بھی تھی اور آج اسی آیت کے سلسلے میں مجھے عرض کرنا بھی ہے۔ انظر کیسا ضربوا لک الامثال، اے حبیب تم غور کرو، تم ملاحظہ کرو کہ تم کو کن کن ناموں سے یہ لوگ یاد کرتے ہیں اور تمہارے متعلق
कैसी तशबीहें देते हैं और अंजाम बजल्लू लाजमी नतीजा ये था कि वो गुमराह हो गए। इनकार नहीं, फकत ये है कि तसव्वुर खालिक क्या हो, बहुत गौर से सुनिए, इनकार खालिक का इनकार फितरत बशर में नहीं है। फितरत बशर तो कह रही है हमको मोड़ दे, जिस तरह से चाहे वो कायनात को बदल दे, ये यकीनन इसका ख्याल है, मगर वो कौन हो इसमें आया पर, कितना बड़ा सर हो, कैसी आंखें हो, कितनी बड़ी नाक हो, कितनी बड़ी जबान हो, कितने बड़े बड़े फैले हुए पांव हो कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जा सके, कैसी सवारी हो, कितना तेज रफ्तार हो, तो तसव्वुरात बदल गए। बहुत गौर से सुनिए, तसव्वुरात बदल गए। अब जो नबी ये उम्मी आया तो वाहिमात को बरतरफ करते हुए, शुबहात को बातिल करते हुए, उनके फरेब अकल को तोड़ते हुए पुकार रहा है, लम यलित व लम यूलद। वो कह रहा है अल्लाहु समद, यानी तुम्हारे जिक्र से, तुम्हारे ख्याल से, तुम्हारे गुमान से, तुम्हारे वहन से, तुम्हारी सोचने के तरीकों से वो बुलंद है, न जिस्म है, न जिस्मानियत है, न मकान है, न मकानियत है, न जमान है, न जमानियत है, उसके लिए कोई जगह नहीं, कैद नहीं, कोई हद नहीं, कोई बंद नहीं, हर जगह मौजूद है। तो अब ये समझे तो क्या समझे, निगाह तो आधी थी बुतों की, निगाह तो आदि थी बुतों की और सदियां गुजर चुकी थी। मैं बार बार इस अमर से जोर दे रहा हूं ताकि तारीख अरब समझ में आए, सदियां गुजर चुकी थी इस वाहिमे में कि हमको तो कोई ऐसा चाहिए जिसको खुद तराशें, बिठाएं, पूजें, उसके कदमों पर सब कुछ निछावर करें, वो कुछ न खाए, कुछ न पिए, कुछ न बोले, हरकत न करे, हमारा खुदा बन कर रहे, जब जरूरत पड़े हम उसको बदल दें, किसी और को तराश लें। इसीलिए वो इंसान के मुजस्समे हो या बुतों के मुजस्समे हो, हमेशा अकवाम आलम में खुदा का तसव्वुर यही रहा, तराशीदम परस्तीदम चिकित्सम। मैंने तराशा, मैंने परस्तिश की, मैंने तोड़ दिया। हर कौम में दुनिया की अगले जमाने खातम यही तसव्वुर रहा, तराशीदम परस्तीदम चिकित्सम। मैंने तराशा, मैंने परस्तिश की, मैंने तोड़ दिया, लाओ दूसरा बुत, लाओ दूसरा बुत। तो ऐसे मौके पर एक ऐसे खालिक के तसव्वुर को पेश करना जो हुई हो, जहां इशारा न जा सके, तो वो तसव्वुर इतना बुलंद था कि दुनिया चाहती थी कि उस बुलंद तसव्वुर को पेश करने के लिए अब अगर कोई आए तो उसमें भी कुछ ऐसे ही जलवे हो। मेरे साथ जरा सी फिक्र में चलने की कोशिश कीजिए, ऐसे ही जलवे हो, सुबह को नजर आए, शाम को नजर ना आए, कोई कातर मुकाबिल पर आए तो आंख से इशारा कर दे वो मर जाए, कोई लश्कर सामने आए थूक दे वो सारा लश्कर तबाह हो जाए। यानी वो चाहते थे कि एक माँ बाप के बशर ताकत आए एक ऐसे खुदा के तसव्वुर को पेश करने के लिए जो हू हो, जो समद हो, जो लम यलिद व लम यूलद हो, जैसे मूसा थे, जैसे ईसा थे, जैसे नूह थे, वैसे ये हाशिम का पोता, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्लाह का बेटा, अबू तालिब का भतीजा, ये ऐसा ही एक इंसान है, ये आया और हमसे ये कहता है कि हम अपने तसव्वुरात को बदल दें। इसलिए ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है कि हम उन तसव्वुरात को बदलें, ये तो नहीं होगा। उसने कहा सुनो,
तुम मानते हो मौजदा कि जहां दिमाग इंसान आजिज हो जाए, मैं एक ऐसे मौजजे को तुम्हारे सामने पेश करता हूं जो फकत आज नहीं, फकत कल नहीं, रहती दुनिया तक मौजजा रहे, रहती दुनिया तक मौजजा रहे। देखिए, जमीन से पानी का उबलना बहुत मुमकिन है कि साइंस के इजादात किसी ऐसी मंजिल पर पहुंच जाए कि एक आला रखा जाए जमीन पर और वो आला बतला दे यहां पानी है, और उसके साथ एक मर्तबा वो बोरिंग हो थोड़ी देर के लिए और पानी निकले। चुनाते ये आलात अब आ गए, वो आलात मौजूद हैं जो ये बतलाए कि यहां सोना है, यहां चांदी है, यहां लोहा है, यहां और दूसरी धातें हैं। ये सब आलात मालूम हो गए दुनिया को। अब अगर अगले जमाने में कोई आलिम ये कहता कि इस जमीन में यहां सोना है, और आज कोई कॉलेज का तालिबे इल्म ये कहते यहां सोना है, तो उसकी बात कम से कम आज मौजजा न होती। बिल्कुल उसी तरह किसी मशीन से किसी बहुत बड़े वजनी चीज का हटा देना किसी मकाम पर, वो मौजजा तो नहीं। बुलडोजर से किसी कले को तोड़ देना कोई मौजजा तो नहीं है। तो पैगंबर इस्लाम ये जान रहे थे कि दीन को रहना है कयामत तक, इसलिए अफकार पशर के वास्ते एक ऐसा मौजजा चाहिए कि जिसको दुनिया के उलूम अपने कमाल पर पहुंचकर फिर उस तरह से पेश न कर सके। ऐसे मौजजे की जरूरत है, और कुरान ने कहा लो फकत ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर दौर के लिए ये ऐसा ही मौजजा आया है, सिर्फ वक्ती तौर पर धमकाने डराने के वास्ते हमने असाए मूसा को या यदे बैजा को या नाकए साले को जरूरी जाना, वरना मौजजे हर दौर में दो, मौजजे हर दौर में दो। लकद ये सूरह हदीस 57वां सूरा मुसब्बिहात कुरान में से एक, लकद अरसलना रुसलना बिलबैनात, हमने अपने रसूलों को भेजा खुली निशानियों के साथ, अरसलना रुसलना बिलबैनात खुली निशानियों के साथ भेजा। और वो खुली निशानियां क्या थी, वो मौजूदे क्या थे, वो अंजलना माहुमुल किताबा वल मीज़ान, हमने हर नबी के साथ दो चीजें नाजिल की, एक किताब दूसरे मीज़ान। अब अगर किताब को कोई मस्क कर दे तो मौजूदा खत्म कर दिया गया उस उम्मत ने, और अगर मीज़ान को कोई जाया कर दे तो यकीनन मौजूदा खत्म हुआ। इस वास्ते जहां किताब नहीं वहां मीज़ान नहीं। मीज़ान, मीज़ान के लिए अंग्रेजी में लफ्ज है स्केल, मीज़ान तराजू, स्केल। मैंने कभी आपको समझाने की कोशिश की थी, वो स्केल है मीज़ान के, जैसे किसी मकाम पर एक छोटे से कागज पर सारी दुनिया का एक नक्शा आ देता हो, वर्ल्ड मैप, और उसके नीचे स्केल। स्केल के माना ये कि अब यहां आधे इंच से मुराद इतने हजार मील, स्केल से मुराद जो ये बतलाए कि कौन सा मकाम कहां है। देखने को तो नक्शा छोटा था मगर पैमाना बतलाए कि कौन सी जगह कहां है,
कौन सा पहाड़ कहाँ है, कौन सी दरिया कहाँ है, कौन सा सहरा कहाँ है, कौन सा मुल्क किस मकाम पर है, कौन सा गांव कहाँ है, अगर मीजान न हो तो नक्शा समझ में नहीं आता। لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان, ہم نے کتاب کو بھیجا میزان کو بھیجا, کتاب کی تعریف یہ تھی وما فرثنا في الكتاب من شيء, ہم نے کتاب میں کسی چیز کو بھی چھوڑا ہی نہیں, کوئی چیز کتاب سے چھوٹ نہ سکی, سب کچھ کتاب میں ہے. کہاں ہے اسکیل چاہیے, कहां है स्केल चाहिए. बगैर स्केल के आप ये नहीं बतला सकते कि इस किताब में कौन कहां है. इस किताब में मैं भी हूं, मेरे आबाए अवलीन भी हैं, इस किताब में तुम भी हो, तुम्हारे आबाए अवलीन भी हैं, तुम्हारा घर, तुम्हारा मकान, तुम्हारा माजी, तुम्हारा मुस्तकबल, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या रख रहे हो, ये सब चीजें इसी किताब में है. मगर मीजान चाहिए, میزان چاہیے. تو کتاب موجزہ کس اعتبار سے کہ سب کچھ ہے اور سمجھ میں نہ آئے. میزان موجزہ اس اعتبار سے کہ یہ میزان حرکت و ناقص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بن جائے. میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ آپ میزان بن سکتے ہیں, نہیں بن سکتے. اس لیے کتاب و میزان یہ دو معجزے ہیں جو نبی چھوڑتا ہے. اب کوئی قوم کتاب کو ختم کر دے تو میزان کی ضرورت ہی نہیں, میزان کو باقی رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس واسطے کہ کتاب نہ ہو. مگر چونکہ خاتم النبیین کو وہ کتاب عطا کی گئی جس کو رہی دنیا تک رہنا ہے, اس واسطے میزان کو پیغمبر نے اس کتاب کے ساتھ چھوڑا, محافظ بنایا اور کہا معجزے دو. اب معدن نہ ڈھونڈو, باغات نہ ڈھونڈو, یہ نہ پوچھو کہ میرے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا. نہیں, یہ عدم معرفت کی دلیل ہے. تم اپنے سب سے ذہن سے دیکھ رہے ہو اور میں دنیا کو آنے والے زمانے کے لامتناہی سلسلے تک دیکھ رہا ہوں. اس لیے یہ دو چیزیں معجزہ ہیں, دونوں معجزہ ہیں, اور یہ دونوں واقعی رہتی دنیا تک چیلنج بنے ہوئے رہتی. آپ کو معلوم ہے آج علم عرب یعنی ادب عرب درجہ کمال سے پہنچا ہوا ہے. یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ مکے میں صرف و نحو کے مدرسے نہیں تھے, صرف جو آرا جانتے تھے کہ لفظوں کا فرق کیا ہے, یا ان کے فصحا یہ بتلاتے تھے کہ قواعد یہ ہیں. آج مصر میں, یوردان میں, لبنان میں, عراق میں, حضرموت میں, یمن میں, افریقہ کے سواحل پر, حدیدہ میں, ہر طرف ادب زبان عرب کی یونیورسٹیاں ہیں جس میں ایک ایک ادیب اپنی زبان میں ڈاکٹریٹ لے کر گویا زبان عرب کا مجتہد بنا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود جب ان کا کوئی عالم تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جب تک کلام پاک کی دو آیتیں نہ پڑھے یا درمیان میں کہیں آیت کا استعمال نہ کرے اس وقت تک لوگ اس کو ادیب نہیں کہتے, اس وقت تک لوگ اس کو فصیح نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں یہ تو جانتا ہی نہیں ہے فصاحت کے کمال کو. تو قرآن 1350 برس کے بعد زبان کی اتنی ترقی کے باوجود بھی بساط بشر سے باہر ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز لکھ دے. میں نے گزشتہ سال عرض کیا تھا اس کی قرآن سے بحث کرتے ہوئے غالباً یہاں یا رضویہ کالونی, وہ یہ کہ آج سب سے بڑا دشمن اسلام کا وہ
यहूदी है, यानी बनी इसराइल सबसे बड़े दुश्मन समझे जाते हैं। जाहिर है फिलिस्तीन जिनका मरकज है, और वो सारी कोशिशें कर रहे हैं कि आलम इस्लाम अपने एतदाल को अपने हाथ से खो दे। कुरान ने चैलेंज किया था कि अगर तुम हो सके तो इस तरह से कुछ सूरे लिख दो। यहूदी आजकल अरब की लुगत लिख रहे हैं, बरसों से लिख रहे हैं, यानी यहूदी से बेहतर कोई लुगत अरब लिख नहीं सकता। आज दुनिया का फैसला यह है, इस वक्त जो खामोश आपके हाथ में है ना लुगत अरब, वो यहूदियों की लिखी हुई है, अरबों की नहीं है, यहूदी अरब। इसमें काबिल है वो अपने जबान में, अपने अदब में। बजाय इसके कि इन बेचारे मुसलमानों को असलहा से या आलात हरबो जर्ब से शिकस्त दी जाए, अच्छा तो ये था ना कि 6,000 आए थे, 7,000 आए थे, कुछ ऐसी ही कोई किताब लिख दी जाती और ऐलान कर दिया जाता ये तुम्हारा कुरान, ये हमारी किताब, तो ये मुसलमान शिकस्त खा जाते। 1300 बरस के बाद अगर ये यहूदी उलमाए अरब एक ऐसी नजीर पेश कर देते कुरान के मुताबिक अरबी जबान में एक किताब, जिसमें कहीं नूह का किस्सा होता, कहीं मूसा की बातें होती, कहीं एकाए इब्राहिम की बातें छिड़ जाती, कहीं फौरन तलाक का हुक्म आ जाता, कहीं फौरन निकाह के अहकाम आ जाते, निकाह के सिलसिले में कोई गुफ्तगू मीराज की हो जाती, फिर उसके बाद पैगंबर की फजीलत की कोई आयत आ जाती, फिर फौरन महशर का जिक्र आ जाता। तो यही जिसको कहते हो कि सिलसिला नहीं है, तो ऐसी ही कोई गैर मुसलसल किताब कोई यहूदी लिख के दे देता। मगर हुआ क्या, सारी दुनिया की कोशिशों के बावजूद जो काम न हो सका वो यही था। आप तवज्जो से सुन रहे हैं, नहीं था, यानी किताब को लिखा न जा सका। छोड़िए, आपके अख्तियार से बाहर है, इतने कॉलेजेस बने, इतनी तरबियत गाहें बनी, कितने अफराद दर्जा कमाल पर तालीम के पहुंचे। मैं चाहता हूं कि दुनिया तारीख अपनी इस तरह से पेश करे कि किसी मकाम पर हमको ऐसे चंद अफराद मुसलसल को ही बतला दे। किताब की तो गुफ्तगू खत्म हुई, अब अफराद की गुफ्तगू है। ऐसे कोई अफराद कहीं दुनिया हमको पेश कर दे किसी मकाम पर, वो किसी खानदान से ऐसे अफराद निकाल के बतला दे जिन्होंने अपनी जिंदगी को इस तरह से पेश किया हो। फजल जोहद तकवा इल्म अमल शुजात सकावत हिफाजत दियानत, और फिर सब के साथ साथ वो बशरियत पेश करे। दुनिया कम अज कम अफराद को पेश कर दे, भाई वो डॉक्टर है, वो PhD है, उनके पास इंतहाई डिग्री है, वो सब सही है, वो सब दुरुस्त, लेकिन इंसानियत कुबरा जिसको कहते हैं, कोई ऐसा इंसान और ऐसा एक नहीं, मुसलसल चाहिए 14। भाई तवज्जो से सुनिए, 14 चाहिए किसी मकाम पर उठा लीजिए। तो उनका कमाल क्या हो, उनका कमाल ये हो कि वो कल्ब इंसान में रुसूख पैदा करें, नस्लों में सदियों तक हुकूमत हो, दिल उनकी तरफ खिंचे, रूह उनसे मानूस हो, दुआओं में वास्ता बने, दुआओं में वास्ता बने, दर्द का इजाला हो, मुश्किलात को हल करें, और हल हो या न हो मुश्किल मगर कल्ब मजलूम की तसल्ली बन जाए। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं, निकाली अफराद, मैं भी साथ साथ चलता हूं, मैंने भी कुछ थोड़ी तालीम हासिल की है। आइंस्टाइन
नजरिए इजाफियत का मशहूर मूजिद जिसने दुनिया के तसव्वुरात बदल दिए, मार्क्स जिसने हीगल के फलसफे में एक आलमी इंकलाब पैदा कर दिया, और जहां आज उसके नजरिए को दुनिया एक पैगंबरी समझती, और बड़े आदमियों की फहरिस्त में शोपेनहावर, नीत्शे, कोपरनिकस, बड़े बड़े माहिरान इल्म हयात, माहिरान इल्म तबकातुल आर्ज, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने अमराज का काबू पा लिया, रेडियो के मौजूद मादे असीरिया के जानने वाले, भैया सब नाम आपको याद होंगे, और अगर नहीं तो उमूमन कभी अखबार पढ़ते हुए आपकी नजर पड़ेगी भाई किसने किस चीज की ईजाद की। वो ईजाद यकीनन आपके घर में होगी, रेडियो आपके पास है, मूजिद मार्कोनी है, तो क्या उस रेडियो को देखकर आपका कोई कल्बी ताल्लुक उसके मूजिद से ऐसा है कि जिससे 24 घंटे की रूहानी रब्त वासिता या कोई ताल्लुक की कैफियत हो? खुदा के लिए बतलाइए, नहीं है। एक इंसान आप नहीं बतला सकते, मैं एक घराने में 14 बतला रहा हूं, एक इंसान नहीं बतला सकते आपके जिससे रब्त रूही हो। बड़ा एहसान किया है दुनिया में मुजरीन ने, इंकशाफ करने वालों ने, कि भाई इस वाकये को जाहिर कर दिया, उस राज को जाहिर कर दिया, क्या दुनिया को आरामदेह बना दिया, क्या सफर को सरल कर दिया, क्या महीनों के रास्ते पलों में तय होने लगे, मगर उससे रूह को क्या रब्त है, कल्ब को क्या ताल्लुक है, इंसान की तन्हाई से क्या वास्ता है, इंसान की मायूसियों से क्या ताल्लुक है, इंसान की मजलूमी से उसका क्या रब्त है, आप समझ? तो पता ये चला कि न किताब का जवाब आ सका, न मीजान का बदल हो सका, और ये दो मौजज़े लेकर नबी आया तो उस वक्त की दुनिया यही कहती रही कि ये तो बशर है और इसके सिवा कुछ नहीं। और आज दुनिया की आंखें खुली तो खैर किताब के जवाब को तो ये ख्याल करके कि बड़ी मुजरेमाना जहनीयत होती अगर जवाब की कोई कोशिश करे, का इसको तो रखो। मगर मेरी बात सुनो, 1350 बरस गुजर गए हैं अब तक अफराद को ढूंढते हुए, इनको बुलंद करके देखा फिर उतारा, उनको बुलंद करके देखा फिर उतारा, उनको ऊंचा करके देखा फिर उतारा, फिर इनको देखा फिर उनके चेहरे को देखा, देखा मिलते ही नहीं है। मेरी बातें आप समझ रहे, ये इंसानी कोशिशें थी, आप हमने ये कोशिश की है अपराध से अपराध निकाले, कांसाहियों में देखो, मुलूकियतों में देखो, मजदूबों में देखो, औलिया में देखो, सूफिया में देखो, मुमकिन है कोई मिल जाए, ये ताजुल औलिया है, इनका पांव तो सारे औलिया के गर्दनों पर है, सारे औलिया के कदमों पर है, इनको देखो भाई, ढूंढते अफराध को सदियां गुजर गई, मगर किस फर्द को ढूंढ के निकाला? उसने कहा मेरी शराफत इसी में है कि मैं या हसनी हूं या हुसैनी। आप मेरी बातों को समझ गए? ये थे वो एजाज
کہ جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا کہ ایک طرف جس کو بشر سمجھتے ہیں اس بشر کا جواب نہ آ سکا, اس بشر کا جواب نہ ہو سکا, اور دل عجیب منزل ہے اور عجیب موقف ہے کہ جہاں ساری کوششیں ہر دور کی ناکام ہوئی. اگر میرے اس جملے کو بڑی سہولت کے ساتھ اور بڑی تمانیت کے ساتھ غور کر کے آپ نے محسوس کر لیا تو بہت دنوں تک یہ باتیں آپ کو یاد رکھیں کہ یہ کوئی مبالغہ عقیدے کی گفتگو یا جذبات کا بہاؤ نہیں ہے, یہ حقائق ہے, یہ حقائق ہے. کٹولتے چلو, دیکھتے چلو, دیکھتے چلو کسی کی اتنی گندگی کرو, اتنی عظمت کرو کہ اس کو پرستش کے مقام پہ پہنچا دو. چلو وہ خود نہیں ابھرتا تو ہم ابھریں گے, اس لیے کہ نمی پرند ہم اڑائیں گے. اڑایا بہت اوپر, بہت اوپر, بہت اوپر, تاریخ میں جگہ دے دی, سوانح حیات ان کے لیے وقت ہو گئی. بہت اڑے, دس برس, بیس برس, پچاس برس, مرنے کے سو برس, پھر وہ انسان کی وہ تشنگی کی جو کیفیت تھی وہ دور نہ ہو سکی. انہوں نے کہا اتنا بلند کیا تھا پھر بھی وہ نام آ رہا ہے, وہ ساتھ نام آ رہا ہے, پھر ڈھونڈو, پھر لاؤ. تو اب حیرانی اس عمر کی تھی کہ جس کون یہ کہہ کے دور کر رہے تھے کہ یہ بشر ہے, اس بشر نے ایک سلسلے کو توڑا جس میں اگرچہ سب بشر تھے مگر یہ بتلایا کہ ان کا جواب نہیں تم میرے جواب کی کیا فکر کرو, ان کا جواب نہیں تم میرے جواب کی کیا فکر کرو گے. پہلے ان کی منزلوں کو تو دیکھو, پہلے ان کے مراکز کو تو دیکھو, ان کے مقامات کو تو دیکھو. رہتی دنیا میں ان کے علوم کیا ہے, ان کے فنون کیا ہے, ان کے احسانات کیا ہے, ضرورت ہی کیا ہے بھائی, ضرورت ہی کیا ہے بھائی. گفتگو اتنی کہ دنیا میں کچھ لاکھ آدمی ایسے ہیں, کچھ لاکھ, کروڑ پر گفتگو نہیں کرتا ہوں, کیا فائدہ, کچھ لاکھ آدمی تو ایسے ہیں دنیا میں, چند لاکھ, کہ جن کی روح کو, جن کے دل کو, جن کی جان کو, جن کے نفوس کو ان ہستیوں سے دن اور رات کا ربط ہے نا, سب کا, سب کافی, یہی کافی. اور اگر ایسا کہیں رب کو پیش کر دے تو ہم سمجھیں کہ واقعی افراد مل گئے. اس لیے کہا گیا, ایک سندرا سا ثقیل لفظ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے, بعض وقت آپ بہت ضخیم الفاظ بیان کر دیتے ہیں اور ان کو پریشانی ہوتی ہے, ایسے ہی موقع پہ کہا گیا کہ جہاں جن لوگوں کو ممثل صفات حق افراد نہ مل سکے, دیکھیے یہ اصطلاح ہے, ممثل صفات حق افراد نہ مل سکے, یعنی جہاں حق کی صفتیں پیکر نہ بن سکی, جہاں حق کی صفتیں کوئی صورت اختیار نہ کر سکی, وہاں
अफराद को बनाया गया, वहाँ अफराद को ढाला गया, वहाँ अफराद को पैदा किया गया। मगर मेरी तकरीर अगर याद हो तो हमेशा मैं मुसलसल रहता हूँ अपनी तकरीर में, जैसे तसव्वुर इलाह में धोखा हुआ, जैसे अफराद के इंतकाब में धोखा हुआ, वहाँ भी यही था तराशीदम परस्तीदम चिकित्सम, यहाँ भी यही हुआ तराशीदम परस्तीदम चिकित्सम। यहाँ भी तराश के गले परस्ती कर तो गले दो से चलो, और ये कहा कि चलो देखे घोरा जी घोरा है।